नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। कंगाली में डूबा पाकिस्तान। खर्चों को कम करने के लिए देश में करीबन 1.5 लाख सरकारी पदों को समाप्त करने जा रहा है और इसके साथ ही 6 मंत्रालयों को भी बंद करना और इसके अलावा 2 अन्य का विलय किया जाएगा। पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने रविवार को इन बदलाव के बारे में घोषणा की, जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के साथ हुए 7 अरब अमेरिकी डॉलर की लोन की डील का हिस्सा है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा कि IMF के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दे दिया जाएगा, जो कि पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा। IMF ने इसी 26 सितंबर को पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज को मंजूरी दे दी है और ऐसे में IMF ने कर्ज की पहली किश्त के रूप में 1 अरब डॉलर जारी किए हैं। पाकिस्तान सरकार के कर्ज के बदले सुधारों का वादा करता नजर आ रहा है, जिसमें खर्च में कटौती, टैक्स GDP अनुपात बढ़ाने और कृषि और रियल एस्टेट जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों पर कर लगाने, सब्सिडी को सीमित करना शामिल है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा, हमें अपनी नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है ताकि ये साबित हो सके कि ये अंतिम कार्यक्रम है। उन्होंने ये भी कहा कि मंत्रालय के भीतर सभी आकार तय करने का काम चल रहा है। 6 मंत्रालयों को बंद करने का फैसला लागू किया जाना है, इसी के साथ जबकि 2 मंत्रालयों का विलय किया जाएगा। औरंगजेब ने कहा, इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों में 1.5 लाख पद समाप्त किए जाएंगे और इसके अलावा पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने बताया कि 1 साल में टैक्स देने वालों की संख्या 2 गुनी से ज्यादा बढ़ी है और पिछले साल के 3 लाख के मुकाबले इस साल अब तक 7.32 लाख नए करदाता पंजीकृत हुए हैं। औरंगजेब ने यह भी कहा कि टैक्स न भरने वाले लोग अब संपत्ति या वाहन बिल्कुल नहीं खरीद सकेंगे। मंत्री ने इसी बात में यह भी दावा किया कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में सुधार हो रहा है और ये सही दिशा में आगे भी बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश का विदेश मुद्रा भंडार उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान पिछले कई साल से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। साल 2030 में ये दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन IMF से सही समय पर मिले 3 अरब डॉलर के कर्ज ने उसे बचा लिया। पाकिस्तान ने IMF के साथ नए कर्ज पर बातचीत की है और उम्मीद की है कि ये अंतिम कर्ज होगा। इस खबर पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप भी हमें जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें NBT International।